हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच अपने चैनल पर एक और देवा थापा की बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज देवा थापा पहलवान हमारे सहारनपुर शहर में आया हुआ था और इसने बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ी राजस्थान के पहलवान से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देवा थापा की आपके बीच अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पर। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको देवा थापा की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देवा थापा पहलवान कैसे राजस्थान के पहलवान से कुश्ती लड़ रहा है, आप देख सकते हो। हम नेपाल से आया, लेकिन नेपाल और इंडिया भाई भाई है, ध्यान रखना। एक बार सो कभी नेपाल को कोई जरूरत पता नहीं, इंडिया वालों से मांगते और देते हैं। बहुत दिनों से, बहुत सालों से रिश्तेदारी निभा रखा है, समझ में आया। कोई नहीं है, ना नेपाल ना इंडिया, हम एक इंसान है, इंसान की तरह लड़, बेईमानी ना कर। ऐसे क्या मतलब हो गया, वो ठीक ठीक बुला रहे बुला रहे, मैं ठीक कर दिया। एक भी बात है यार, ईमानदारी का जरूरी होता है भ्रष्टा, ईमानदारी का कुछ हो जाए। एक बात सुनो, देख हंसते रहते है। एक बात सुनो, लड़ना है तो लड़ जा, नहीं तो जाओ ऊपर जाके कैंट का तार पकड़ के मर जा। इसको ओसडी के ने सारी नेपाली पब्लिक अपनी तरफ कर ली, डायलॉग सुना सुना के, हमारी तरफ साला एक भी आदमी नहीं है। एक बात सुन, तुम जल्ला सिंह का कौन से नंबर का लड़का है? छोटा बहुत लड़का पैदा कर रखा है यार जल्ला सिंह ने भी, और जेल से छूटा कि नहीं छूटा? अभी नहीं छूटा, आठ ही तो है लोगों के, 15-15 लड़के हैं। तो जो आपका बाप जल्ला सिंह है, उसको चोरी करना किसी सिखाया था? आप जेल में बैठा है, कब छूटेगा वो? मदर मुदर नहीं करे, चोरी करा था इसका बाप ने, जल्ला सिंह ने। भाई साहब गाना लगा था यार, एक बार बताओ जनते हैं कुश्ती हुई क्या? देख भाई साहब कुश्ती नहीं हुआ, ईमानदार से कुश्ती लाए भाई। सब जनता ने देखा, मुझे बोला था वो, देख 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 देख, मैं उधर देखता था। कद लंबा रंग गोरा, ये है दिनी पहलवान राजस्थान फांसी वाली गली जल्ला द्वारा मोहल्ला, और इनका शानदार मकान नंबर 420। अच्छा अच्छा, जल्लाद पहलवान का तीसरा लड़का, मकान नंबर 420 के 21 है भाई साहब, आगे पीछे नहीं हुआ अभी। अच्छा, तुम्हारा बाप का 19 था, तुमने 20 कर दी, 21 तुम्हारा लड़का करेगा। और इन्हीं के सवालों के जवाब में है देवा थापा पहलवान नेपाल पट्टा ध्यान सिंह गेंडा। इसका गुरु था ध्यान सिंह गेंडा पहलवान, उसको तुमने नहीं देखा, बहुत छोटे हो गए। बच्चे कुर्सी का टाइम 15 मिनट, चलो पहलवान जी चलिए, चलो घड़ी हमारे हाथ में है पहलवान जी, चलिए डरो मत। दोस्तों, कुश्ती बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तरफ है राजस्थान का पहलवान और दूसरी तरफ है नेपाल का देवा थापा पहलवान, जिसे आप सभी जानते होंगे। ये कुश्ती बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। अरे दूर से डाल दे, क्या बात है, क्या कहने, लड़ते पे लग जाएगी, क्या कहने। हेलो, ये सुना के ठंड ज्यादा है, बिना मिट्टी से कुश्ती हो जाओ, हो जाए खत्म, हो जाने को कोशिश कर रहा, लेकिन ऐसा मत सोच मिट्टी इतना लगाऊंगा, तुझे नहाना ही पड़ेगा आज। हेलो, ए हरिया बुड्ढा पहलवान, हेलो आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, क्या कहें बहादुर। एक तरफ नेपाल है और एक तरफ राजस्थान है, सुरली में चल रहा है मुकाबला हर साल की तरह। इंडिया नहीं, इंडिया और नेपाल के बीच चलता मुकाबला। जो दर्शक बाहर खड़े हैं, लगा दे जलवा जलवा, बहुत अच्छे। क्या बात है, गिन्नी पहलवान राजस्थान की शान, गिन्नी पहलवान।
यही है नेपाल, नेपाल की शान। देवा था पा पहलवान, जवाब नहीं दोनों का जवाब नहीं। क्या बात है, बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही घमासान मुकाबला। दोस्तों कैसे देवा था पा पहलवान इस राजस्थान के पहलवान को मार रहा है, और ये पहलवान जो राजस्थान से आया हुआ है, ये जल्लाद सिंह का बेटा है, ये तीसरे नंबर का जो देवा थापा के साथ कुश्ती लड़ रहा है। देवा थापा बहुत ही अच्छी तरीके से इससे कुश्ती लड़ रहा है, आप सब देख सकते हो, बहुत ही अच्छी कुश्ती हो रही है ये देवा थापा की और राजस्थान के पहलवान की। दोस्तों नतन से ऊपर नाचना है पहलवान जी, नहीं हाथ नीचे करे पहलवान, हाथ नीचे करे पहलवान जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है पहलवान जी। झूठे पहलवान, नहीं बदतमीजी ना, नहीं बदतमीजी ना करे, हिन्नी पहलवान बदतमीजी की हत्कार ना कर, मर्द का बच्चा है तो सीने पे वार कर, क्या बात है, छबाव नहीं सिखने हैं, हिन्नी पहलवान बदतमीजी ना करे, पहलवान जी बदतमीजी ना करे। पहलवान बहुत ही शानदार, अच्छी तैयारी के साथ, अच्छा जोर लगाते हुए गिन्नी पहलवान, एक क्विंटल 25 किलो वजन, देवा थापा पहलवान 70 किलो वजन, बहुत ही शानदार मुकाबला दोनों के बीच। हेलो ए यार, ये बदतमीजी क्या करता। दोस्तों ये कैसे, ये बिन्नी पहलवान ने देवा थापा पहलवान को चित कर रहा है, आप सब देख सकते हो, उसकी कमर भी तोड़ दी देवा थापा पहलवान की, मगर देवा थापा पहलवान ने उठकर कहा कि तू ऐसे क्यों लड़ रहा है, अगर लड़ना है तो अच्छी तरीके से कुश्ती लड़, वरना यहाँ से भाग जा। हाँ पहलवान, नौजवान आदमी हो, दोनों नौजवान हो, ढंग से लड़ो या मारो या मर जाओ, अरे खाना लगा रहे नेपाली का, हमारा इंडिया जीतेगा। इमरान भाई जल्दी पानी मंगाओ, आखिर मिट्टी चली गई यार, क्या यार हद हो गई, तुम लोग उल्टे उल्टे काम करते हो, मिट्टी आंखों में डालते हो, आंखों में मुंह में डालते हो, चलिए पैसा। नेपाल से मैं अकेला रहा हूँ ना, इसलिए लोग ऐसा कर रहे मेरे साथ, ठीक है आप इंडिया वाले, हम नेपाल से आया, लेकिन नेपाल और इंडिया भाई भाई है, ध्यान रखना, एक बार सो कभी नेपाल को कोई जरूरत पता नहीं, इंडिया वालों से मांगते और देते हैं, बहुत दिनों से बहुत सालों से रिश्तेदारी निभा रखा है, समझ में आया, कोई नहीं है ना नेपाल ना इंडिया, हम एक इंसान है, इंसान की तरह लड़, बेईमानी ना कर, ऐसे क्या मतलब हो गया, वो ठीक ठीक बुला रहे में ठीक कर दिया, एक भी बात है यार, ईमानदारी का जरूरी होता। दोस्तों देवा थापा पहलवान ने कितने सारे पहलवानों को चैलेंज कर दिया है और कह रहा है कि मैं तुम्हें सबको एक साथ कुश्ती लड़ूंगा तुम्हारे से। तो दोस्तों देवा थापा पहलवान सब
पब्लिक के सामने इन तीनों चारों पहलवानों को कैसे चैलेंज कर रहा है अकेला ही, और कह रहा है कि मैं इन सब से लड़ूंगा, और इन पहलवानों ने भी कह दिया हम तेरे से सभी लड़ेंगे। तो दोस्तों इस कुश्ती में बहुत ही मज़ा आने वाला है, और देवा थापा कैसे चैलेंज कर रहा है इन पहलवानों को। छोटा हाथी तो है लोगों के, 15-15 लड़के हैं। तो जो आपका बाप जल्ला सिंह है उसको चोरी करना किसी से सिखाया था, आप जेल में बैठा है, कब छूटेगा वो? मदर मुदर नहीं करे, चोरी करा था इसका बाप ने, जल्ला सिंह ने। भाई साहब गाना लगा था यार, एक बार बताओ चल तेरे कुश्ती हुई क्या? देख भाई साहब कुश्ती नहीं हुआ, ईमानदार से कुश्ती लाए भाई, सब जनता ने देखा, मुझे बोला था वो देख 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 देख, मैं उधर देखता था। लगा दे भाई सब का हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, इंडिया में दंगल हो रहा है, नेपाल में सारी जनता तो इसकी तरफ है। भाई साहब ये दंगल ना नेपाल में हो रहा है ना तो इंडिया में हो रहा है, ये दंगल हो रहा है सलोनी में मेले में हो रहा ही नहीं, समझ में आया? ये पिंडी पहलवान की तरफ कौन कौन हाथ खड़ा करियो भाई, एक बार मेरी तरफ कोई नहीं है, बैग उठा ले अपने घर चलते हैं। तेरी ना दिल्ली पहलवान ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है, भाग के ना जाओ, तुम्हारा फैसला यही है। भाई साहब जब कुश्ती लड़ते लड़ते तुम भाग रहे हो, कल को स्वागत माते माते भाग जाएगा तू? पहले कुश्ती लड़ फिर चला जाइयो, जा जाना चला तो लड़ ले अपनी तरफ। एक बहुत बड़ा आदमी है जावेद गनी, हाथ खड़ा कर दिया उसने, लड़ना पड़ेगा अब तो। चल जवाब नहीं किन्नी पहलवान तेरा जवाब नहीं। दोस्तों ये पहलवान कह रहा है कि अभी कुश्ती नहीं हुई है, अभी देवा थापा ने मुझे नहीं हराया है, और इसके भाइयों ने भी कहा कि अभी देवा थापा ने चित नहीं किया है इसको पहलवान को। तो देवा थापा की से इस पहलवान की दोबारा कुश्ती होगी दोस्तों, एंड तक पूरा बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है इस कुश्ती में। नेपाली पहलवान तेरा जवाब नहीं, क्या बात है, ये है नेपाल की शान, देवा थापा पहलवान, क्या बात है पहलवान जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये है ये रुक के नहीं, बता और बता अपने मुंह से बता अभी ना हुई यार अभी नहीं अब हो गई ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा किन्नी पहलवान कि तुम भाग के ना जाओ, तुम्हारा फैसला यही होगा, जवाब नहीं। 10-20 रुपए देकर पब्लिक नेपाली पहलवान का स्वागत करेगी, और दोस्तों वो भी दो दो बार हराया नेपाल के पहलवान ने उसको, तो ये बहुत ही अच्छी कुश्ती थी दोस्तों। अगर आपको ये कुश्ती अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुश्ती को लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी से अच्छी कुश्ती आपके बीच बनाता रहूँगा। जय हिंद जय भारत।